मुजफ्फरनगर के पास में एक छोटा सा गांव है, बुढ़ाना। आई थिंक खानदान में मैं पहला ही था जो जो ग्रेजुएशन तक पढ़ पाया, वरना कोई पढ़ाई लिखाई का ज्यादा वो नहीं था, सब जमींदारी। उसके बाद मैं जॉब करने लगा बड़ौदा में, और चीफ केमिस्ट का जॉब करता था उस। लेकिन ज्यादा बोर हो गया उससे एक साल के अंदर, फिर मैं वापस दिल्ली आ गया। दिल्ली आके मुझे किसी ने प्लेस दिखाए, ऐसी जॉब की तलाश में था मैं दिल्ली में भी, तो किसी ने थिएटर दिखा दिया मुझे मंडी हाउस में। वहाँ प्ले देखने बाद मैंने डिसाइड किया कि आई थिंक ये चीज़ है जिसको मैं चाह रहा था करना, लेकिन कर कुछ और रहा था। तो फिर मैंने जो एक अमेचर ग्रुप होता है वो ज्वाइन किया, और आई थिंक 1-1.5 साल उसमें काम किया। उसके बाद फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैंने एडमिशन ले लिया था। आई थिंक मैंने कई सारे जॉब ट्राई किए थे, चीफ केमिस्ट के अलावा भी काफ़ी जॉब किए थे। तो पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे एक एहसास इस चीज़ का होता था शायद मैं बोर हो जाऊंगा इस जॉब से, फिर दूसरा ट्राई करता था। फिर तो ये था कि मैं क्या चाह रहा था मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं था मैं क्या चाहता हूँ। फाइनली जब मैंने प्ले देखा तो मुझे लगा कि ये चीज़ है जो शायद मैं मुझे मुझे जिसकी ज़बान नहीं मिली थी, वर्ड्स नहीं मिला था कि थिएटर क्या होता है। तो शायद ये चीज़ है, बहुत ही क्रिएटिव चीज़ है, और मैं ये करना चाहता था लेकिन मुझे पता नहीं था। तो आई डोंट नो कैसे हुआ, या क्या कभी अनकॉन्शियस माइंड में कहीं बैठा होगा जो कभी मैंने रियलाइज़ नहीं की इस चीज़ को। तो फाइनली मैंने अब मैं यही करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं करने वाला मैं। हाँ, स्ट्रीट प्लेज होते थे दिल्ली में उस वक्त पे, और मैं एक ग्रुप था उसमें थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, कि जैसे लाइट का, बिजली की चोरी का कुछ एक स्किट सा बना लिया, दिल्ली सरकार से मिला उसका, उसके लिए स्किट कर दिया, जाके गली गली कूचे कूचे जाके कर रहे थे। तो कोई एक कोई प्रोडक्ट आया, जैसे ऑयल है, ऑयल कंपनी का कोई प्रोडक्ट आया, अब उसको उसका एडवर्टीजमेंट करना है, तो 5-6 लोगों का ग्रुप बना लिया, तो जगह जगह पे जाके वो परफॉर्म करते थे, उसके बारे में बताते थे। जो आज़ादपुर मंडी हो, ये कनाट कनाट प्लेस, बस अड्डा, ये वो हर जगह जाके उसके शोज़ करते थे। तो उससे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था। आई थिंक मैं ऑड किस्म की तो नहीं कह सकता, काम थे वो तो, बट ये था कि मैं जब उससे काम ज़्यादा चल नहीं रहा था थिएटर के दौरान, जब मैं ग्रुप में काम कर रहा, जब मैंने बताया था ना जो एमेचर ग्रुप मैंने ज्वाइन किया था उस वक्त पे, अब हिंदी थिएटर में पैसा तो है नहीं, तो साइड बाय साइड में एक वॉचमैन का काम भी करता था। एक टॉयज़ की फैक्ट्री थी नोएडा में, तब तो नोएडा बिल्कुल वीरान सा लगता था ऐसा, तो छोटी छोटी कंपनी खुल रही थी वहाँ पर। वहाँ जाके मैंने किया था, 1-1.5 साल काम किया वहाँ। एहसास यही था कि मैं ये सोच रहा था, मैं कोई बड़े बहुत बड़े सपने तो लेके गया नहीं था मैं, भाई ये था मैं कि सर्वाइव करता रहूँ, मैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में रहते हुए इतना डिफिकल्ट हो गया था सर्वाइव करना। तो वहाँ पे एक ही था कि बस सर्वाइवल होता रहे ठीक से, और बाकी काम वाम जो मिलेगा वो तो करते रहेंगे, छोटा मोटा काम, एक सीन दो सीन जो होगा वो करते रहेंगे, क्योंकि बड़ा सीन तो कोई देने वाला नहीं। पहले मैंने टीवी ट्राई किया, टीवी में इतना मुझे ज़्यादा कुछ मिला नहीं, एक एक दो दो एपिसोड के काम मिले और फिर नहीं भी मिले, और फिर फिल्मों में ट्राई किया, एक एक सीन उसमें मिले। तो बस यही था कि एक एक सीन मिल रहे थे और मेरा काम चल रहा था, और ये सिलसिला कोई 10-11 साल तक चलता रहा होता था एक्चुअली। और रिजेक्शन भी होता, रिजेक्शन तो चलो ये था कि मैं यूज्ड टू हो चुका था इतना सारा, जब क्या होता है कि 1-2 बार शुरू में मिलता है रिजेक्शन तो आदमी को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है आदमी, बट जब बहुत सारे हो जाते हैं तो फिर उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस चीज़ का मुझे कभी बिल्कुल कई बार आया एहसास इस चीज़ का कि छोड़ के चले जाता हूँ, बट प्रॉब्लम ये थी कि मैं यही जानता था, इसके अलावा मैं कुछ और जानता था जिसके, मैं अगर छोड़ के चला भी जाता तो क्या करता मैं, या तो वापस वही प्लेस करने पड़ते जिनको मैंने कर लिया था 7-8 साल तक कर लिया था, या तो वही करना पड़ता फिर, या फिर अपने गांव में जाना पड़ता। गांव में बहुत मुश्किल था कि आ गया सिपाही हार के, क्या सोच के आए, तो इस तरह की इन सवालों से बहुत डर लगता था। उन्हें ठीक है जो भी होगा, बुरा भला जो भी होगा यही होगा मुंबई में, तो इसलिए वापस नहीं आ गया। भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमारे भरोसे बैठा,